हरियाणा में पीएम मोदी ने किया चुनावी शंखनाद, कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास, रोहतक में रैली को किया संबोधित। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दी बधाई, सरकार की गिरा उपलब्धियां, देश भर में मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने सजी योगी की मंत्रिमंडल की पाठशाला, 3 दिनों तक चली ये क्लास, गुड गवर्नेंस पर जोर। मशहूर वकील और पूर्व कानून मंत्री राम जेठमलानी का निधन, पीएम मोदी और अमित शाह समेत कई नेताओं ने जताया दुख। घाटी में पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी, घाटी में फिर तोड़ा युद्ध विराम, भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं काव्या नाटियाल। सबसे पहले बात करेंगे मिल गया गायब हुआ चंद्रयान 2। इसरो को चांद पर विक्रम लैंडर की स्थिति का पता चल गया है, जहां ऑर्बिटर ने थर्मल इमेज कैमरा से उसकी तस्वीर ली है, हालांकि उससे अभी कोई संचार स्थापित नहीं हो पाया है। वहीं ये भी खबर है कि विक्रम लैंडर लैंडिंग वाली तय जगह से 500 मीटर दूर पड़ा है। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में लगे ऑप्टिकल हाई रेजोल्यूशन कैमरे ने विक्रम लैंडर की तस्वीर ली है। इसके साथ ही अब इसरो वैज्ञानिक ऑर्बिटर के जरिए विक्रम लैंडर को संदेश भेजने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसका कम्युनिकेशन सिस्टम ऑन किया जा सके। इसरो के सूत्रों ने बताया कि बेंगलुरु स्थित इसरो सेंटर से लगातार विक्रम लैंडर और ऑर्बिटर को संदेश भेजा जा रहा है, ताकि कम्युनिकेशन शुरू किया जा सके और भविष्य में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर कितना काम करेगा इसका पता तो डेटा एनालिसिस के बाद ही चल पाएगा। इसरो वैज्ञानिक अभी ये पता कर रहे हैं कि चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर ऊंचाई पर विक्रम अपने तय मार्ग से क्यों भटका था। इसकी एक वजह ये भी थी, हो सकती है कि विक्रम लैंडर के साइड में लगे छोटे छोटे 4 स्टीयरिंग इंजनों में से किसी एक ने काम ना किया हो, इसकी वजह से विक्रम लैंडर अपने तय मार्ग से डायवर्ट हो गया, वहीं से सारी समस्या शुरू हुई। इसलिए वैज्ञानिक किसी पॉइंट की स्टडी कर रहे हैं। तो साफ तौर पर अगर बात करी जाए, कल जिस प्रकार से आपको याद है कि चंद्रयान 2 को लेकर सबकी टकटकी लगी हुई थी और ये एक इंतज़ार था लोगों को कि इतिहास रच दिया जाए, लेकिन 2.1 किलोमीटर वो गैप था जिस समय पर हमें सिग्नल्स मिलना बंद हो गए थे, हमें नहीं पता चला था कि जो हमने लॉन्चर भेजा है वो कहाँ पर पहुँचा है, उसकी स्थिति ऑर्बिटर की अभी क्या है, जिसको लेकर लगातार विक्रम लैंडर को लेकर ये समस्या निकल कर सामने आ पा रही थी। लेकिन उसको लेकर कई जगह हताहत भी वैज्ञानिक नजर आए थे, लेकिन बड़ी राहत आप इसे कह लीजिए, क्योंकि चांद पर विक्रम लैंडर की स्थिति का पता चल गया है। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वैज्ञानिक है। सुशील जी, आपसे समझना चाहूंगी, जो परिस्थिति पहले एक हताहत हो चुके थे वैज्ञानिक, आशा छूट चुकी थी कि इस प्रकार की कोई गतिविधि हो पाएगी, लेकिन फिर 14 दिन का एक अल्टीमेटम दिया कि 14 दिन में हो सकता है कि हम कम्युनिकेट कर पाए, क्या लगता है आपको? कम्युनिकेशन अभी नहीं बन पाया लेकिन स्थिति पता चल गई है। 14 दिन तक का तो पीरियड था ही, तो उम्मीद पूरी थी कि बीच में कम्युनिकेशन हो जाएगा, लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि शुरू में हताश होना स्वाभाविक है जी। लेकिन उम्मीद पूरी थी, वैज्ञानिकों ने ये कहा कि 14 घंटे या 24 घंटे के अंदर अंदर कम्युनिकेशन स्थापित कर लेंगे जी। तो फिलहाल तो उन्होंने कर लिया है जी, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत ही नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। बिल्कुल, उम्मीद है कि बहुत जल्द ही प्रज्ञान अपने डाटा भी भेजने लगेगा जी। जी बिल्कुल, सुशील जी आपसे एक चीज समझना चाहूंगी, अभी तक क्योंकि क्लियर पॉइंट नहीं निकल कर आ पाया है कि विक्रम लैंडर उतर क्यों नहीं पाया था प्रॉपरली, जो उसकी सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी वो हो क्यों नहीं पाई थी। देखिए, 6 किलोमीटर जब ऊपर रहता है था विक्रम लैंडर जी, तो उसकी स्पीड वहां पे होती है 22,000 किलोमीटर प्रति आवर जी, एक घंटे में 22,000 किलोमीटर, ये हमारे जो सुपरसोनिक विमान है उनसे भी 20 गुना तेज रफ्तार होती है जी। लेकिन जब वो 500 मीटर सिर्फ ऊपर होता है चांद की सतह से, तो उसको अपनी रफ्तार घटा के करनी होती है 2 मीटर प्रति सेकंड जी। अच्छा, ये जो हमारा स्पीड का वहां से यहाँ तक ट्रांजिशन है लोअर साइड की ओर जी, चूंकि चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का 1/8 होता है जी, ठीक है, तो जो चीज अर्थ पे अगर वो 8 किलो की है तो वो चांद पे सिर्फ 1 किलो वहां पे फील होगी जी। अच्छा, ये जो डिफरेंस है इसको हम लोगों ने लैब कंडीशन में टेस्ट किया होता है जी, लेकिन एक्चुअल जो कंडीशंस है वहाँ वो यहाँ की लैब कंडीशन से डिफरेंट होती है। बिल्कुल, वहाँ कुछ भी चेंज हो सकते हैं। लैब में हम लोगों ने चांद पे उसको टेस्ट नहीं किया है विक्रम को, यहाँ पे टेस्ट किया है, तो वो स्पीड का जो लोअर साइड की ओर ट्रांजिशन है वो कभी कभी एस्टिमेटेड जो हमारे डाटा है उनसे डिफरेंट भी हो सकता है जी। अच्छा, जो हमारे कम्युनिकेशन के लिंक है वो भी उसी हिसाब से मॉडिफाइड होते हैं, तो कभी कभी परिवर्तन हो सकता है उसमें, लेकिन उम्मीद पूरी थी कि कम्युनिकेशन स्थापित हो जाएगा, और ऐसा कि आपको पता ही है कि हो गया है जी।
सुशील जी, कम्युनिकेशन के लिए अभी कहा गया कि कम्युनिकेशन स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि तस्वीर तो आ गई है, पता हमें चल गया है कि विक्रम लैंडर आखिरकार गिरा कहाँ पे, क्योंकि वो जहां पर उसको लैंड होना था उससे 500 मीटर की दूरी पर गिरा है। जी। उसके कारण अभी सर हम नहीं समझ पाए, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि पथरीली जमीन है चंद्रमा की, इस वजह से हवा का प्रेशर बहुत अलग है इस वजह से, या फिर एक कारण ये भी निकल के आता है, जो चार इंजन लगाए गए थे उसके स्टीयरिंग इंजन जिन्हें हम कह रहे थे, उनमें से एक ने काम करना कुछ बंद किया था, कुछ इस प्रकार की समस्या निकल कर आई थी। जी, ऐसी भी बातें होती है, उसमें कई फैक्टर होते हैं जिनको मिला के हम बता सकते हैं कि कैसे क्या हुआ होगा। 500 मीटर के ऊपर जब होता है जी, तो हमारा जब कम्युनिकेशन स्थापित होता है तो हम उसको फिर से गाइड करते हैं कि वो कहाँ पे लैंड करेगा। जी ठीक है सर, जैसे कि आपको पता है कि साउथ पोल पे लैंडिंग अभी तक बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है, किसी ने भी इसमें सफलता नहीं पाई है, सॉफ्ट लैंडिंग थी ये। साउथ पोल की मशीन जो सतह है बहुत ही हार्ड होती है, सुरक्षित लैंड कराना बहुत ही कठिन होता है। तो जब हम 500 मीटर ऊपर आ जाते हैं तो फिर हम उसको गाइड करते हैं किधर कैसे मूव करेगा। यदि हमारा कम्युनिकेशन लिंक जरा भी टूटा तो हो सकता है मशीन कम्युनिकेशन लिंक टूटने की वजह से, या खुद मशीन में कोई ऐसी गड़बड़ी हुई हो वहाँ के लोकल कंडीशंस की वजह से कि काम करना उसने बंद कर दिया। इसलिए हो सकता है कि एक मशीन के टूटने की वजह से प्रॉपर लैंडिंग जहाँ पे एक्चुअल एक्सपेक्टेड थी वहाँ की जगह थोड़ा सा हटके हुई हो। बिल्कुल सुशील जी, आपसे आखिरी बात यही पूछना चाहूंगी कि देश ने कहीं ना कहीं जब चंद्रयान 2 का मिशन पूर्णतः सफल नहीं हो पाया, इसे असफल नहीं कहूंगी, पूर्णतः सफल नहीं हो पाया, उसको लेकर देश पे हताशा थी, तो ये जो खबर निकलकर सामने आई कि विक्रम लैंडर की स्थिति का हमें पता चल चुका है, कम्युनिकेशन का भी स्टार्टअप किया जा रहा, प्रयास किया जा रहा है कि कम्युनिकेशन भी शुरू हो जाए, देश के लिए कितनी अच्छी स्थिति पे कहेंगे आप इसे? जी, ये लोगों में गलतफहमी थी कि ये चंद्रयान मिशन हमारा असफल रहा। एक्चुअली जो 90% बजट एलोकेट है वो ऑर्बिटर के लिए एलोकेट था, जो कि सक्सेसफुली चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। जी, वो अपने डाटे भी भेजता, उनका जो हमें उपयोग करना है वो हम करते भी, बाकी 10% ये मेरा रोवर था, विक्रम लैंडर था जी, जिसके अंदर एक प्रज्ञान नाम का रोवर भी है जी, जो वहाँ के जमीन के सैंपल्स लेगा, सैंपल्स को लेके अंदर भेजेगा, जिसके डाटा हमारे पास आएंगे एनालाइज करने के पश्चात। ठीक है, इसके अलावा उसका जो दूसरा मेन काम है पानी के लिए स्पॉट ढूंढना, वो रेडिएशन टेक्नोलॉजी के जरिए है, वो अपनी लाइट्स भेजेगा, वो एमिट होके जब वापस आएंगी तो हमें पता चलेगा कहाँ पानी होने की उम्मीद है और कहाँ नहीं। जी, तो हो सकता है अगर विक्रम लैंडर वाकई हमारा उसमें कम्युनिकेशन स्थापित नहीं हो पाता तो पानी की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें नहीं मिल पाती, लेकिन जो ऑर्बिटर का मेन काम है, ऑर्बिटर का, वो तो मेरा होता ही रहता। तो हम कह सकते हैं कि अगर विक्रम लैंडर से कम्युनिकेशन स्थापित नहीं होता तो भी हम 90% तो सक्सेसफुल थे ही। बिल्कुल, तो इसलिए वो सफलता बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है, और फिर किसी भी देश ने दुनिया के आज तक इतना भी नहीं किया था तो इतना बहुत बड़ा उपलब्धि, इसलिए देश को अभी भी खुश होना चाहिए और गौरवान्वित महसूस होना चाहिए। और यदि विक्रम से संपर्क स्थापित हो गया फिर तो कहना ही क्या, बिल्कुल, अब तो भारत बहुत ऊपर है। बिल्कुल, धन्यवाद सुशील जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। साफ तौर पर सुशील पांडे जी हमारे साथ जुड़े थे, वैज्ञानिक थे, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो परिस्थितियां अभी निकल कर सामने आई हैं वो देश के लिए गौरवान्वित इसलिए है क्योंकि अगर कम्युनिकेशन बैठ जाता है तो ये मिशन पूर्ण रूप से आप कह लीजिए सफल हो जाएगा, क्योंकि आपको तस्वीरें भी मिलने लग जाएंगी, डाटा भी आने ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे जो अभी नहीं हो पा रहे, क्योंकि कारण कुछ अभी जिस तरह से उन्होंने कहा कि कुछ लोकल इन्वायरमेंट की भी बेसिस होते हैं, लैब में ये चीज़ें जरूर टेस्ट करी जाती है लेकिन आप एक्यूरेट उतना ही गुरुत्वाकर्षण उस स्थिति में नहीं बना सकते, वहाँ पर क्या कंडीशंस रही उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि लैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई हो, उन प्रॉब्लम्स को समझने के लिए डाटा एनालिसिस किया जा रहा है, जो इसरो के वैज्ञानिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये क्यों हुआ। दूसरी खबर का रुख करेंगे, मंत्री ले रहे प्रबंधन की ट्रेनिंग, योगी सरकार के मंत्री रविवार को आईएम लखनऊ में प्रबंधन गुरुओं की लीडरशिप डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस दौरान उन्होंने प्राथमिकताएं तय करने के साथ ही देश और चुनिंदा विकसित राज्यों की तुलना में यूपी के सामाजिक आर्थिक संदर्भों की जानकारी दी जा रही है। यही नहीं, इस दौरान मंत्रियों का ग्रुप डिस्कशन और प्रेजेंटेशन भी कराया जाएगा, साथ ही नैतिक राजनीतिक के सूत्र भी दिए जाएंगे। दरअसल हाल ही में योगी सरकार और योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, इसमें कई नए चेहरों को शामिल किया गया था, पहली बार के विधायक भी मंत्री बने हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मंत्रियों की पाठशाला सवेरे 9:30 बजे से 6 बजे तक रखी जाएगी, इस क्लास में पुराने मंत्री भी शामिल होंगे। इसके पहले उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आईएम डायरेक्टर का संबोधन हुआ, इसके बाद पहले सत्र में प्रोफेसर अर्चना शुक्ला, प्रोफेसर पुष्पेंद्र प्रियदर्शी और प्रोफेसर निशांत उप्पल मंत्रियों को प्राथमिकताएं तय करने के गुण और लाभ बताए। आपको बता दें कि क्लास खत्म होने के बाद मंत्रियों को कुछ किताबें, साहित्य और कुछ होमवर्क के साथ घर लौटेंगे। नए मंत्रियों से बेहतर परिणाम और पुरानों को अपडेट करने के लिए योगी सरकार के कहने पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ ने 3 दिन का विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल मंथन को तैयार किया है। तो साफ तौर पर मैनेजमेंट की लगातार हम ये बात कहते हैं कि मैनेजमेंट की अपने आप में बहुत खूबियाँ होती है। हर व्यक्ति को ये भी कहा जाता है कि अपने जीवन में
आप मैनेजमेंट की क्वालिटी सीखिए। तो कहीं ना कहीं एक राजनेता के लिए मैनेजमेंट की क्वालिटी सीखना बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि उसके पास कोई एक मुद्दा कभी निकल कर सामने नहीं आता। बहुत सी बात उसको पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि मेरे पास जितनी समस्याएं आई उनमें से प्रायोरिटी बेस पे क्या रखनी है। प्रायोरिटी चुनने का गुण उन्हें सिखाया जाएगा। इसके साथ ही एक साथ कई विभागों का संभालना भी एक बड़ी बात हो जाती है, उसको भी सिखाया जाएगा। अनुराग तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। अनुराग जी, अगर बात करी जाए तो मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है योगी मंत्रिमंडल में, जो नए चेहरे आए उन्हें, पुरानों को भी दी जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? जी, ये बहुत ही अच्छा और सकारात्मक कदम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उठाया गया और जरूरी था ये, क्योंकि अलग बैकग्राउंड से आते हैं मंत्री, बहुत सारी विविधता है और एक वर्क फोर्स कैसे काम करती है ये मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं या मैनेजमेंट की जो पढ़ाई है उसके बाद ही समझ में आता है कि हम विभिन्न विचारधाराओं, विभिन्न बैकग्राउंड से आते हैं और एक जगह एक टीम के रूप में काम करते हैं। मुझे लगता है कि इससे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा उनकी टीम पर और जो मंत्रिमंडल है और भी बेहतर तरीके से काम करने में सफल होगा इससे। बिल्कुल अनुराग जी, एक बात और इसमें अहम निकल के आती है कि इससे पहले क्योंकि ट्रेनिंग इस तरीके की नहीं होती थी तो जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे वो समझाते थे नेताओं को कि आपका कार्य ये है, ये इन तरीके से आपका कार्य किया जाएगा। लेकिन अब जब वो खुद ट्रेनिंग लेंगे, क्योंकि आपको पता है ब्यूरोक्रेट्स हमेशा ये सोचते हैं कि 5 साल के लिए मंत्री जी बैठे हुए हैं, इन्हें हम कुछ भी समझा देंगे उसी तरीके से काम करेंगे। लेकिन जब उनको उनकी नैतिक जिम्मेदारियां बता दी जाएंगी, आपको नहीं लगता ब्यूरोक्रेट्स से जो भ्रष्टाचार निकल कर सामने आता है उस पर कहीं ना कहीं दबिश पड़ेगी? देखिए, ब्यूरोक्रेट्स प्रेजेंटेशन के जरिए मंत्रियों को अपने विभागों के जो भी विभागाध्यक्ष मंत्री हैं उनको समझाते थे, तो अब इस ट्रेनिंग के बाद कम से कम मंत्रियों में ये जानकारी तो होगी कि ये डेटा जो उनके सामने रखा जा रहा है वो किस तरह से निकल के आया है और इसका सोर्स क्या है और ये कितना वैलिडेटेड है और कितना ऑथेंटिक डेटा है। तो इसके अलावा आपने अगर देखा हो तो इस ट्रेनिंग में भारत का जो फाइनेंशियल स्टेटस है या फिर भारत के अंदर यूपी का, इसको भी लेके मंत्रियों को उनकी जो उनको एक सेशन होगा, तो इससे कहीं ना कहीं जो एक कंपटीशन, ग्लोबल कंपटीशन में हम वाले युग में जी रहे हैं उसके लिए भी काम करने का मौका मिलेगा, उसमें भी काम करने में उनको सहूलियत होगी। बिल्कुल, धन्यवाद अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। साफ तौर पर जिस तरीके से अगर बात की जाए, इसके अच्छे कदम के रूप में इसको माना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का गुण जो भी व्यक्ति सीखता है, राजनेता नहीं कहूंगी, जो भी व्यक्ति इस गुण को सीखता है वो खुद ब खुद अपने आप में एक अच्छे व्यक्तित्व और अच्छे कार्यशैली के रूप में निकल कर सामने आता है और राजनेताओं का इसका सीखना बहुत अहम हो जाता है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नहीं रहे राम जेठमलानी। मशहूर वकील और पूर्व कानून मंत्री राम जेठमलानी का निधन हो गया है। वो 95 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली में अपनी अंतिम सांस ली है। वहीं राम जेठमलानी देश के सबसे बेहतरीन वकीलों में होती है। उन्होंने अपने जीवन में कई बड़े केसेस लड़े हैं और उन्हें जीता भी है। साथ ही जेठमलानी केंद्रीय कानून मंत्री भी रह चुके हैं। राम जेठमलानी पिछले 2 हफ्ते से गंभीर तौर पर बीमार थे। आपको बता दें कि राम जेठमलानी का जन्म 14 सितंबर को सिंध के शिकारपुर में हुआ था। राम जेठमलानी अपने शानदार वकालत करियर में कई उन्होंने अहम ऊंचाइयाँ देखी हैं, कई हाई प्रोफाइल केस उन्होंने लड़े हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के हत्यारों के लिए भी केस लड़ा था। तो साफ तौर पर अगर बात की जाए तो आज के दिन के लिए अगर आप कहेंगे तो वकालत का एक बड़ा चेहरा हमारे बीच से गया है, उनका नाम था राम जेठमलानी, जिन्होंने उन सभी केसेस को लड़ा है, समझा है, जिन केसेस को लेकर शायद कोई भी वकील अपने हाथ खींचता नजर आ जाएगा आपको। आप देख लीजिए, हाई प्रोफाइल जितने भी मोस्टली केसेस होते थे उन्हें राम जेठमलानी ही टैकल करते थे, ये उनके आदत में एक शुमार भी था। और आप ये भी समझ लीजिए कि वो कानून मंत्री भी रह चुके हैं पूर्व, तो काफ़ी बहुत अच्छी उन्हें नॉलेज है आप कह लीजिए कि कानून की थी। ऊपर से जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस होते थे मोस्टली उन्हें राम जेठमलानी ने लिया और उन्हें जीता भी है, ये उनकी पहचान में रही। आप समझ लीजिए, इंदिरा गांधी के जो हत्या की गई थी वाला मामला, चाहे राजीव गांधी का मामला आप ले लीजिए, इन केसेस में भी राम जेठमलानी शामिल हुए थे। इन केसेस को लिया था उन्होंने, इन केसेस पर लड़े थे वो। तो साफ तौर पर अगर बात करी जाए तो कहीं अरविंद सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, अगर बात करी जाए राम जेठमलानी की तो शायद ये उन वकीलों में से एक हैं
जिन केसेस को कोई व्यक्ति जल्दी नहीं अडॉप्ट करता, लेना नहीं चाहता, उन केसेस को राम जेठमलानी जी लेते थे? कहा जाए कि विधि के रूप में वह एक महान धुरंधर थे जी, और आज उम्र को अगर माइनस किया जाए जी, तो आज इस देश ने एक महान न्यायविद को खो दिया है। बिल्कुल। और एक महान समाज सेवक के रूप में भी बिल्कुल वह जाने जाते रहे, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहते हुए उन्होंने देश की भी सेवा की जी। और मैं एक दो बार उनसे मिला हूँ, उनका काफी स्नेह जो है कनिष्ठ अधिवक्ताओं के प्रति रहा है जी। और सदैव उन्होंने क्रमबद्ध ढंग से केसों की तैयारी के बारे में वह ज्ञान दिया करते थे। शॉर्टकट पर उनका कोई विश्वास नहीं था जी। वह सदैव कहा करते थे कि चार स्टेजेस से जी अधिवक्ताओं को गुजरना पड़ता है जी। पहला वर्क विदाउट मनी, दूसरा लेस मनी मोर वर्क जी, तीसरा वर्क अकॉर्डिंग टू मनी जी, और चौथा लेस वर्क मोर मनी जी। तो उन्होंने उस चीजों को जिया था जी। अपने क्षेत्र में वह एक हठ योगी थे बिल्कुल, और यही वजह रही उनके सफलताओं की। जटिल से जटिल केसों को जी उन्होंने बेंच को मजबूर किया जी, बेंच को कन्विंस किया जी अपने ज्ञान से जी, अपने क्रमबद्ध तरीके से जी अपनी बातों को मनवाने के लिए जी। वह कभी बेंच के सामने झुके नहीं जी। तो आज इस तरीके से न्याय का क्षेत्र में उनके नहीं रहने से जी एक तरह का वैक्यूम आ गया है जी। और वादकारियों ने भी एक सशक्त अधिवक्ता खो दिया है जी। इतना ही कहूंगा, यह भावुक क्षण है जी। और वह एक चलते फिरते न्यायविद में इंसाइक्लोपीडिया रहे जी। उनकी कमी जी बार को सदैव खलेगी बिल्कुल, और बार को ही क्यों बेंच भी जी जब किसी गूढ़ मसलों में जी फंस जाती जी तो उनको बुला के जी राय लेने में गुरेज नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल, यही कहना है उनके बारे में। बिल्कुल अरविंद जी, लेकिन एक बात हमेशा से मानी जाती है, पहले जो गरीब समाज के लोग थे, जो आम लोग थे, वो हमेशा ये समझते थे कि बड़े वकील जो हैं, वरिष्ठ वकील जो हैं, जो नामी गिरामी वकील हैं, वो आम लोगों के लिए नहीं लड़ते हैं। लेकिन राम जेठमलानी जी की बात करी जाए तो वो लड़ते थे, उन लोगों ने उन्हें एहसास दिलाया कि हम आपके लिए भी हैं। देखिए, एक स्तर पर आदमी जब मैंने यह कहा ना, वो अपने क्षेत्र के कर्मयोगी थे बिल्कुल। तो कर्मयोगी जो है, संत का स्वभाव जब है जी, तो वह किसी के लिए कुछ भी निछावर कर सकता है जी। तो उस तबके के लोगों के लिए जो है जी वह देवता थे जी, और जो लोग देने वाले थे जी वह उनको देते थे जी। तो ऐसा नहीं है कि वह गरीबों का केस लेते ही नहीं थे या वह खाली पैसे के पीछे भागते जी। अगर मैं यह कहूं कि लक्ष्मी उनके पीछे भागती थी तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। धन्यवाद अरविंद जी मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी यादों को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो साफ तौर पर अरविंद जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जब भी राम जेठमलानी को ये बात लगी कि वो अपने पक्ष को और मजबूती के साथ बेंच पर रख सकते हैं, उन्होंने रखा है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब जजेस सोचते थे किसी मुद्दे को लेकर, नहीं कोई चीज़ उन्हें लगता था, समझ नहीं आता था, तो वो राम जेठमलानी से उस चीज़ को लेकर चर्चा करते थे। और कहीं ना कहीं बिल्कुल ये सही बात है, जब कोई वरिष्ठ वकील होता है और कोई अच्छे व्यक्तित्व का भी आदमी होता है तो वह एहसास दिलाता है कि जो है
वो सबके लिए है और सबका एहसास हमेशा राम जेठमलानी ने आम लोगों को कराया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए इंडिया वॉच के साथ। नमस्कार।